मेरा दूसरा सवाल भी है और वो सवाल शायद और हमें एआर रहमान की शख्सियत को समझने का मौका देगा, उनके उनकी शख्सियत को समझने के लिए एक और खिड़की खोलेगा। आपने तो प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत भी उन्हीं के साथ की, तो वो दोनों जो जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके उनके साथ वो हमसे शेयर कीजिए। हाँ, तो मेरा सबसे पहला ब्रेक जो मुझे मिला वो था रहमान साहब की फिल्म अदा के लिए, और वो अदा अ म्यूज़िकल जर्नी बाय ए आर रहमान, ये फिल्म आई थी 2008 में। और मैंने इस फिल्म के लिए गाना जो गाया था उसके बोल थे इश्क अदा है इश्क सदा है, तो ये मेरे जीवन के लिए पहला ब्रेक तो था ही, लेकिन हमेशा यादगार रहेगा क्योंकि हमेशा पहली चीज़ें हमेशा यादगार रहती हैं, और ख़ास करके तब जब आपने रहमान साहब के लिए गाया हो तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और रहमान साहब तो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि सबके लिए वो ऐसा व्यक्तित्व है कि छुपा भी है और बहुत ज़्यादा दिखता भी नहीं है, लेकिन संगीत से बहुत सारी बातें जो वो नहीं कहते हैं वो सब कुछ कह जाते हैं। तो रहमान साहब के बारे में कितना भी कहें कम है। अच्छा पारुल, इस बार मैं आपको बांधूंगा नहीं। पहले मैंने आपसे भजन की फरमाइश कर दी, फिर ठुमरी की फरमाइश कर दी, लेकिन इस बार बांधूंगा नहीं। इस बार मैं आपके लिए ये मंच देता हूँ रागगिरी का, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी आप हमें सुनाना चाहें। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आप मुझे बांधेंगे नहीं, लेकिन आप मुझे बांधेंगे नहीं तो भी मैं खींच तान के अपने उपशास्त्रीय संगीत पे ही आ जाऊंगी। तो अभी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है चैती। अच्छा, चैती और कजरी जो है वो बड़ी खास है यूपी के लिए, क्योंकि यूपी में सावन के महीने में गाई जाती है, और चैत माह और सावन का जो एक सबसे ज़्यादा एक इंतज़ार होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ का लोक संगीत जो है जो गाया जाता है वो बड़े ही मन को लुभाने वाले तरीके से होता है। सारी औरतें एक साथ बैठती हैं, गाने गाती हैं। तो मैं आपको जो चैती सुनाने जा रही हूँ, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि उस चैती का जो धुन है ना वो बड़ा अलग अलग शब्दों के साथ आपको सुनने को मिलेगा। जैसे मैंने एक बार सुना था अश्विनी जी का एक कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था, तो वो थी चैत मासे बोले रे कोयलिया हो रामा मोरे अगनवा, चैत मासे बोले रे कोयलिया हो रामा मोरे अगनवा। अब इसी सेम धुन पे मैंने अपने यहाँ का एक लोक संगीत सीखा था, बहुत छोटी थी मैं, तो उसके बोल थे सुतल कन्हैया के जगवलू हो कोयलरी तोरी मीठी बोलियां। इसका मतलब है कि जो राधा है वो ये कह रही है कि तुमने सोते हुए कान्हा को क्यों जगाया इतनी मीठी बोली बोल करके, तो वो भी कुछ ऐसा ही था। सुतल कन्हैया के जगवलू हो कोयलरी तोरी मीठी बोलिया, होत सवेरे कोयलरी खोतवा उजर बे होत सवेरे कोयलरी खोतवा उजर बे, घनी बगिया कटवई बे हो रामा घनी बगिया कटवई बे हो रामा तोरी मीठी बोलिया, सुतल कन्हैया के जगवलू हो कोयलरी तोरी मीठी बोलिया। अब इसी धुन पे मैंने अपने एक एल्बम रिलीज करी थी अभी जल्दी स्ट्रीट्स ऑफ बनारस, उसके अंदर मैंने एक चैती गाई है कि एही ठैया मोतिया हिराई गैनी रामा कहवा में ढूंढो। ये चैती मैंने सबसे पहले सुना था निर्मला देवी जी की आवाज में और मैं पागल हो गई थी, इतना अच्छा लगा था मुझे। तो मैं सिर्फ आपको एक लाइन उसका सुनाती हूँ। एही ठैया मोतिया हिराई गैनी रामा कहवा में ढूंढू यही ठैया। अच्छा पारुल, मैं ये भी समझना चाहूंगा, थोड़ा सा इस इंटरव्यू को गंभीर अगर उसमें मैं ले जाऊं, कि ये जो मुश्किल वक्त चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने, उसमें संगीत आपको किस तरीके से पॉजिटिव रखता है, किस तरीके से सकारात्मक रखता है? और इसी प्रश्न का जो प्रति एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है वो ये कि इस समय आप किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं? हाँ, ये वक्त थोड़ा मुश्किल है, ऑफकोर्स पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रही है, और इस परेशानी के वक्त में सब
मैं तो यही कहूंगी, मैं जो करती हूँ वो ये है कि जब भी आपका मन परेशान हो, जैसे कि मैं, हम लोग सब लोग अपने अपने घर में बंद हैं, कोई कहीं बाहर नहीं जाता है, और कहीं किसी शहर में अगर लॉकडाउन नहीं है तो भी लोग अपनी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अपने घर पे रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो ऐसे में अपने दिल का वो सारा काम करिए जो आपके दिल को खुशी देता हो। सिर्फ काम 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 करते करते हम परेशान हो जाते हैं, तो संगीत तो एक इतना अच्छा माध्यम है कि आप गाते नहीं हैं तो सुन तो सकते ही हैं, तो आप अच्छा संगीत सुनिए। और म्यूजिक तो एक थेरेपी है, कितने भी बीमार इंसान को ठीक कर देता है, कभी कभी कितना खराब मूड होता है, एक अच्छा गाना सुन करके सारा अच्छा हो जाता है। तो मैं तो इस तरह से ही, और कुछ भी आप जो बहुत सालों से करना चाह रहे हैं, जो लगता था कि वक्त नहीं है करने का, तो अब तो वक्त ही वक्त है, अब जितनी भी इच्छाएं हैं सब पूरी करिए। जो भी कला आप सीखना चाहते हैं या मैं जो सीखना चाह रही थी वो मैं कर रही हूँ, तो मैं सबको यही सलाह दूंगी कि सब लोग वो करें जो उनके दिल को खुशी देता है, और ऐसा करने से एटलीस्ट हम परेशानियां जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हैं, इतनी नेगेटिविटी है हमारे आसपास, उससे हम थोड़े दूर रह सकेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सकारात्मक रहने की। पारुल, आपके पास एक और जो मैं अपने रागगिरी के दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके बारे में, कि आपके पास कथक का पर्याय बन चुके पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के साथ काम करने का तजुर्बा भी है, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि पंडित जी से तो सीखना मतलब अपने आप में एक एक कई सदियों का जो अनुभव होता है वो आपके सामने आपसे जुड़ा, तो वो कैसे याद करती हैं आप? महाराज जी को जब भी याद करती हूँ ना तो बड़ा सारा उत्साह मन में आ जाता है। तो महाराज जी के साथ मेरा संपर्क हुआ, मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड है, उसका नाम है गरिमा, और वो महाराज जी की डिसाइपल है, उसने बहुत सारे साल महाराज जी से सीखा है। तो उसी बहाने मैं भी महाराज जी से एक बार मिलने गई, और वहाँ पर मेरे जाने का जो लक्ष्य था वो यही था, मैंने आपको जैसा बताया मेरा उपशास्त्रीय संगीत में बड़ा रुझान रहा है बचपन से, तो मैं ये सोचने लग गई कि महाराज जी के पास तो बड़ी सारी ठुमरियाँ होंगी, इसी बहाने मैं उनके साथ बैठूंगी तो सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं इस चक्कर में वहाँ पहुँची, और वहाँ पर जाने के बाद से महाराज जी के साथ मन जुड़ गया, और उसके बाद फिर ठुमरियाँ गाने लग गई उनके लिए, उनके कई सारे कॉन्सर्ट्स में उनके लिए ठुमरियाँ भी गाई और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। और महाराज जी की सबसे अच्छी बात क्या है कि महाराज जी गुरु शिष्य वाले जोन में रहते ही नहीं है, वो आपको इतने मित्रता वाले जोन में पहुंच जाते हैं ना, मुझे वो कभी कभी भी उन्होंने ये नहीं कह के बोला कि ये ऐसे होता है ये वैसे, वो हमेशा अबे पारुल सुन, वो जो एक जोन आता था ना उसमें ऐसा लगता था कि अरे वाह महाराज जी से तो अब सारी बात हम अपने दिल की कह सकते हैं। कभी कभी कोई ठुमरी का भाव समझाने में वो इतने सक्षम हो जाते हैं क्योंकि वो जोन उन्होंने जो बनाया है ना अपने शिष्यों के बीच में, वो जोन बड़ा काबिले तारीफ है। मतलब मैं इस उम्र में ये कहने के लिए बहुत छोटी हूँ कि मैं उनकी किसी चीज़ को ऐसे बोलूँ, बट मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने शिष्य के साथ ना इतना जुड़ जाइए कि कोई गैप ना रह सके। तो महाराज जी से ये बड़ी अच्छी बात सीखी है मैंने, और महाराज जी को मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, पूरी दुनिया जानती है कि महाराज जी किस तरह के कलाकार हैं। पारुल, हमारा आपका जो परिचय हुआ था, यानी रागगिरी का जो पारुल से परिचय हुआ था, वो परिचय हुआ था आज खेनू श्याम संग होली से, तो वो हम सुनना चाहेंगे इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में। जी बिल्कुल, आप होली का दिन था, होली के दिन मेरी इस बार एक होली थी, आज खेलू श्याम संग होली, जो बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने सराहा, और उस सराहना में एक ऐसी सराहना थी जो आपकी थी, आपके पेज से मेरा होली शेयर किया, तो मैंने उस पोस्ट पे ज़्यादा खास ध्यान इसलिए दिया क्योंकि वो कुछ 8-9 लाइनें बकायदा समय लेकर के लिखा हुआ था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो देख करके, और इस तरह से मैं आपसे जुड़ी, और रागगिरी के मंच पे फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इसी बहाने आप और मैं आज बात कर रहे हैं, और मैं वो होली 2 लाइन आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। आज खेलो शाम संग होरी, आज खेलो शाम संग होरी, पिचकारी रंग भरी केसर की, पिचकारी रंग भरी केसर की, आज खेलो शाम संग होरी, खेलो शाम संग होरी, श्याम संग होरी।
हो रे श्याम संग हो रे हो रे खेलो श्याम संग हो रे। पारुल हम शुक्रगुजार हैं कि आपने रागगिरी के लिए समय निकाला, हमें भजन सुनाए, हमें ठुमरियां सुनाई, सेमी क्लासिकल जॉनर के बारे में बताया। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका संगीत सफर यूं ही चलता रहे और आप संगीत की महक यूं ही बिखेरते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूं कि आपने अपने मंच पर मुझे बुलाया और मुझसे बातचीत की और इसी बहाने मैं अपने बारे में कुछ अपने दर्शकों को बता सकी। और आपका मंच बहुत अच्छा काम कर रहा है, बस ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।